साल है जिसमें हमारा चयन हुआ है, जिस साल राम मंदिर बन पाया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब हमारे नौकरी करेंगे तो हम ध्यान रखें कि जिस प्रकार से राम राज्य चला उसी प्रकार से हम भी प्रशासन चलाएं। जब राम को बुला लेते हैं तो सब कुछ संभव है। एक साल 300 का, अगले साल शायद 500 लोग भी आ जाए। हम एथिक्स पढ़ते हैं अपने मेंस के सिलेबस में, पर श्री राम से बड़ा एथिक्स का और नीति शास्त्र का उदाहरण कोई है नहीं। सबसे पहले तो जय श्री राम। मेरे को तो लगता है कि बच्चे जो होते हैं सेलेक्ट और नहीं होते हैं, सभी मेहनत करते हैं बराबर की। वो भगवान का ही आशीर्वाद है कि कुछ निकल पाते हैं कुछ नहीं निकल पाते हैं। तो मेहनत तो जी वही है कि UPSC की परीक्षा के जैसे 3 राउंड होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और ये मेरा पहली बार था कि तीनों एक साथ किए, तो मैं तो भगवान का ही आशीर्वाद है। उसी कारण रिजल्ट के बाद उन्होंने हमें बुला लिया, मेरा तो बहुत दिल मिल गया। आज 300 IAS देश के चयनित IAS दर्शन करेंगे, कितना ऐतिहासिक लग रहा है आपको? बहुत ऐतिहासिक सर। और इनफैक्ट कल हमारा एक फंक्शन हुआ था और वहाँ पे ये लाइन भी कही गई थी, ये वो साल है जिसमें हमारा चयन हुआ है, जिस साल राम मंदिर बन पाया है। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब हमारे नौकरी करेंगे तो हम ध्यान रखें कि जिस प्रकार से राम राज्य चला उसी प्रकार से हम भी प्रशासन चलाएं। तो मैं उस बात का ध्यान रखूंगा। कौन सा रैंक हासिल किया देश भर में आपने? मेरा इस साल 265वां रैंक है और मैं IPS एक्सपेक्ट करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करके एक काम लगा था और बच्चे का सिलेक्शन हुआ और उसके उससे आए तो और बड़ी खुशी की बात है। संकल्प इस तरह से माता जी, आपका बेटा आज IAS में देश में स्थान ग्रहण किया है, कितना अलौकिक, कितना महत्वपूर्ण माने जो रामलला के दर्शन करने आए हैं? बहुत ही अच्छा है। क्या कोई मन्नत मांगी थी भगवान से? नहीं, मन्नत तो मानी नहीं, पर रामलला तो सब देने वाले हैं, वो तो बिना मांगे के देंगे। पर हम फिर भी मतलब हुआ कि संकल्प की तरफ से आप चलो दर्शन करके आओ, हम सारे आए उनके दर्शन करने। सफर तो काफी संघर्षपूर्ण था, लेकिन इस सफर में साथ देने वाले लोगों ने काफी अहम रोल प्ले किया। आज इस मुकाम पर पहुँच कर अयोध्या नगरी में आकर काफी अच्छा लगा। रामलला का दर्शन करने इतिहास में पहली बार 300 IAS आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों? वही कि राम राज्य का जो मूल मंत्र था, यहीं से हम हमारे करियर की शुरुआत करेंगे। तो राम राज्य के जो मूल तत्व हैं उन्हीं के आधार पर जन सेवा के लिए जीवन भर हमारा प्रयास रहेगा। सर, एक साथ 300 लोग दर्शन करने जा रहे हैं रामलला का, कैसे करेंगे, क्या रहेगी, आप लोग के मन में क्या चल रहा है? सर, यही लग रहा है कि जब राम को बुला लेते हैं तो सब कुछ संभव है। एक साल 300 का, अगले साल शायद 500 लोग भी आ जाए। कौन सा रैंक हासिल किया देश भर में आपने? मेरा रैंक 756 है। कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा छठा अटेम्प्ट था, 6 साल हो गए मुझे। काफ़ी ऐतिहासिक पल है कि हम लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसके बाद सबसे पहले हम लोग आए तो सीधा अयोध्या नगरी में आए, यहाँ पे राम जी के दर्शन हुए हैं और यहाँ पे कल हमारा फेलिसिटेशन भी था संकल्प की तरफ से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि पहला दिन काफ़ी अच्छा गया है। कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं कि रामलला का दर्शन करने इतिहास में पहली बार 300 IAS किसी जगह पहुंचे? बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे बैचमेट्स और मैं और कुछ 300 लोग हैं यहाँ पे और सिलेक्शन के बाद सीधा सबसे पहले यहीं पे दर्शन करने के लिए आए हैं। तो ये काफ़ी ऐतिहासिक हो है क्योंकि ये पहला बैच है मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ का जो एक बार में 300 IAS लोग यहाँ पे सब आए हैं। आपने कौन सा रैंक हासिल किया है? जी, मेरा 693rd रैंक है। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम ही काफ़ी टफ और चैलेंजिंग है। इंडिया में कई लाख बच्चों में से हमारा सिलेक्शन हुआ है और उसमें भी हम सिलेक्शन के बाद अपनी कॉलेज में पुण्य भूमि पर आए हैं, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पे। तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती है कि हम एक साथ जिन्हें देश चलाना है और हम एथिक्स पढ़ते हैं अपने मेंस के सिलेबस में, पर श्री राम से बड़ा एथिक्स का और नीति शास्त्र का उदाहरण कोई है नहीं। तो अगर हम उसकी थोड़ी सी भी एथिक्स अगर हमें मिल जाए तो इस देश को वाकई में 2047 तक विकसित भारत बना सकते। 300 देश के 300 IAS रामलला का दरबार पहुँचे हैं, कितना ऐतिहासिक पल रहेगा ये? सर, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल रहेगा क्योंकि एक साथ इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स को लाना संकल्प जैसे संस्थान ही कर सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये बहुत ही गौरव का विषय है कि हम एक साथ सारे बैचमेट्स पहले ही मिलेंगे भी ऐसी पवित्र जगह। कौन सा रैंक हासिल किया है आपने? मेरी रैंक 637 है। कितने बार आपने दिया जो ये रैंक हासिल हुआ? ये मेरी 3रा अटेम्प्ट था और मेरा पहला मेन से पहला इंटरव्यू था।